हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों, हम लोग अभी फाइनली आ चुके हैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ दक्षिण छोर में, यानी कि मतलब हरियाणा के दक्षिण छोर में जो महेंद्रगढ़ अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत जिसमें माधोगढ़ का किला। बात ये हो गया था कि हाथ से मोबाइल मतलब कुछ कारणवश गिर गए थे नीचे, तो जिसमें वीडियो कट हो गया। तो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये माधवगढ़ का किला है जो आप लोगों को दिख रहा है। ये हुआ हरियाणा के मतलब महेंद्रगढ़ का नज़ारा जो अराली पर्वत पर अभी हम लोग जा रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ कौन कौन से चीज़ देखने लायक है या नहीं, आप लोगों को दिखाने के लिए मतलब निरंतर प्रयास कर रहे हैं। देख रहे हैं हमारे कुछ सहपाठी लोग आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ा बहुत उन लोगों से थोड़ा बहुत पीछे हैं, और आप सबों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अरावली का पर्वत किस तरह से नज़र आ रहे हैं। हमारे सहपाठी लोग ये देख रहे हैं कि मतलब ये देख करके मतलब हंस रहे हैं कि मतलब वो पीछे आखिर कर क्या रहा है। बने रहे हमारे वीडियो में, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खंडहर में तब्दील हो चुका है, देख हम लोग अपने आंखों से देखेंगे कि हकीकत में कैसे खंडहर में तब्दील हो चुका है। अभी अरावली पर्वत का महेंद्रगढ़ का माधोगढ़ का किला, आप देख सकते हैं नीचे का नज़ारा किस प्रकार आप लोगों को दिखाई दे रहा है। हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे आ चुके हैं और ये पहाड़ी पर रास्ता बना हुआ है, काफ़ी धूप के कारण। हाय एवरीथिंग, बहुत थक गए हम लोग आज। थोड़ी ही देर बाद हमारे विवेक जी आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि अरावली पर्वत पर महेंद्रगढ़ का किला जो क्या कहते हैं मतलब माधोगढ़ का किला किस प्रकार देखने लायक है। तो आगे चलकर हमारे विवेक जी आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे अभी आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ मतलब पहाड़ों को किस प्रकार से कटाई करके मतलब इस पहाड़ों में जो जिस रास्ते में हम लोग चल रहे हैं वो रास्ते निकाले गए हैं। अद्भुत नज़ारा प्रकृति का आप लोगों को सक्षम दिखाने का प्रयास। काफ़ी थके हुए कारण संपत जी बहुत पी रहे हैं, एकदम थक गया है पानी पीते हुए संपत जी, जो कि हम लोग माधवगढ़ में हैं। तो फाइनली बहुत ऊंचाई पे चढ़ चुके हैं और बोतल को साथ में लाए थे कुछ पानी पीने के बाद, आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं माधवगढ़ का किला जो महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है और में जो हरियाणा स्थित है। और आप लोगों को आगे दिखाएंगे कि एक तरफ हरियाणा और एक तरफ राजस्थान आता है, ये मतलब बाउंड्री का काम करता है, राजस्थान और हरियाणा को जोड़ने का काम करता है। फाइनली हम लोग वो किला के नज़दीक आज आ गए हैं जो दिखाएंगे। हरियाणा में प्रसिद्ध है जो माधोगढ़ के किला के नाम से, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस हालत में किस अवस्था में वो अभी है। और चलते हैं आगे और दिखाने की कोशिश करते हैं कि माधोगढ़ का किला जो महेंद्रगढ़ जिले। फाइनली अभी हम लोग किले के समक्ष पहुंच चुके हैं जो काफ़ी ऐतिहासिक किला है और यूँ कहे तो काफ़ी बहुत पुराना किला है। तो हमारे हमें कुछ इस टाइप से लग रहा है कि ये काफ़ी बहुत पुराने किले हैं और इसमें कुछ कार्य किया गया है जो दिख रहा है आपको। अभी हम लोग फाइनली किले पे जा रहे हैं, किले में जाने के लिए कोई खास किसी टाइप का मतलब रास्ता बनाया गया नहीं है, जहां हम लोग पगडंडी के माध्यम से ही चलना पड़ता है। फाइनली अभी हम लोग किले में जा रहे हैं और वहां से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किले का किस प्रकार हाल है अभी इतना दिनों के बाद, किले किस अवस्था में स्थित है। तो हम लोग फाइनली
किले में पहुंच चुके हैं और किले का नज़ारा आप लोगों को दिखा रहे हैं। जो किला बुरी तरह से बुरी हालत में अभी है, धूप काफ़ी होने के कारण आप लोगों को कुछ देखने में मतलब कुछ परेशानी हो रहे हैं। काफ़ी नक्काशी किया गया था, पूरा पत्थरों से मतलब बना हुआ है और देख सकते हैं कितनी बुरी हालत में ये किले आप लोगों को दिख रहे हैं। जो हम लोग किले के सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पे अभी आ चुके हैं और आप लोगों को दिखाने के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि किले किस हालत में, जर्जर अवस्था में अभी आप लोगों के समक्ष हैं। आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे अभी आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ से नीचे के नीचे का मतलब गहराई कितने ऊंचाई पे अभी हम लोग आ चुके हैं। आप लोग अपना अनुमान लगा सकते हैं कि अभी आ चुके हैं। और ये आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है ये पूरा शहर का नज़ारा दिखाई दे रहा है, जो बहुत यूँ कहे तो बहुत मतलब नीचे है। और इस साइड जो देख रहे हैं जो नज़ारा, ये राजस्थान की साइड है, जो धूप के कारण पूरा धुंधली नज़र आ रहे हैं। यही अरावली का पर्वत है और महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। और यूँ कहे तो ये माधोगढ़ का किला में अभी हम लोग खड़े हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितने जर्जर अवस्था में स्थित है। इसे जो अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं, बहुत सतर्कता के साथ नीचे उतरना पड़ता है, क्योंकि जरा सी मंदिरगढ़ में आ जाता है तो ये इधर राजस्थान वाले, हाँ ये राजस्थान आ जाता है, इधर राजस्थान, हाँ नीचे वाला राजस्थान में, नहीं 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 नहीं, ये आ जाता है माधेगढ़ में, माधेवगढ़ भैया। अंकल जी ये कौन राजा के मतलब किला है? का कोई खानदान से है। अच्छा, तो वो दो जगह से काम किया ये। ठीक। दो भाई आया था, एक तो मंदिरगढ़ मंदिर सिंह, मंदिर सिंह, आया था माधो सिंह उसका रिश्तेदार भाई, दोनों भाई था। जी। तो वो ये गांव बसा गया माधोगढ़। अच्छा। और वो मंदिरगढ़ बसा गया, वो दोनों माधव और महेंद्र भाई। इसका कोई पूर्वज भी नहीं है जो? नहीं नहीं, खानदान को सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। तो ये खंडहर होने का मतलब मेन कारण क्या है इसका? मेन कारण आज 400 साल पहले की चीज आई है। अच्छा। जब खंडहर होगी कोई न संभालेगा, ये अपना घर है, अपने घर की रिपेयरिंग नहीं करावांगा। अच्छा। तो घर तो अपना खंडर हो ही गो। थोड़ा इस साइड आइएगा आप तो ठंडा में, तो वो है जब नहीं संभालांगा तो खंडर होगा, ये वो काम बंद हो रहे। अच्छा। कोई तो बोलता है इसमें मारोड़ लगाओ, कोई बोलता है इसमें कोटा ट्रेन लगाओ, कोई बोलता है टाइल लगाओ, तो इनके वजह से ये काम एक बंद रुका हुआ है। अच्छा, रुका हुआ है। इस सारे सामान सरकार ने दिया ना? ये तो ठेकेदार ने मंगाया, ठेकेदार तो बस गवर्नमेंट तो ठेको दे दियो। आप यहाँ पे क्या करते हैं अंकल जी? मैं यहाँ पे देखो गार्ड भी करता हूँ। अच्छा। सुपरवाइजर भी करता हूँ। अच्छा। सब काम मैं करता हूँ इधर। आप इसके साथ रहता है जी? के साथ के? ये हाँ, ये मेरे साथ में रहती है। हाँ, अकेला रात को एक आदमी आता है माधोगढ़ से मेरे पास सोने के लिए। अच्छा। एक आदमी आता है वो 200 रुपया एक रात का लेता है सोने के। 200 रुपया एक रात का लेता है? 6000 रुपये मैंने ले लिया। ले लेता है। इसका पे कौन करता है फिर? इसका पे के मेरा ठेकेदार करता है। अच्छा। जो उसको गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है वो तो ठेके में आ गया ना पूरा। करता है कि ये सामान जो सामग्री देख रेख करते हैं, ये देखो वो पाइप पड़ा, ये लोखन पड़ा, वो मशीन पड़ी है इधर, एक मशीन इधर पड़ी है, इसमें जो जनरेटर पड़ी है। अंकल ये जो बन रहा है ये जो मकान, क्या इसको और ऊंचा करेगा? नहीं नहीं, और ऊंचा नहीं होगा, अभी इसके अंदर बहुत काम है। इसके अंदर कुछ मंदिर रोड नहीं था तो उस समय आने का रास्ता किधर से था? नहीं, फिर इतना ही ऐसे ही आता लोग चाल कर धीरे 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 ऊंचाई में। ये करीब 4 साल ये रोड बनने का। अच्छा, ये जो माधवगढ़ जो राजा थे ये फिर आना जाना कैसे करते थे इतना ऊंचाई? आना जाना फिर क्या करते थे, घोड़ा पे हाथिया पे वो आए करते थे। अच्छा। घोड़ा था हाथी था। सुनने में आया कि यहाँ पे एक सुरंग भी है क्या?
हाँ है ना अंदर वो सुरंग क्या नीचे नीचे तक है क्या? नीचे तक किधर? वो किले में है। हाँ, किले में वो सुरंग है। सुरंग है वो सुरंग ऊपर से क्या नीचे जमीन तक है? इतना मालूम नहीं है। अच्छा अच्छा। कोई तो बोलता है नारनौल जाती है। नारनौल तक? हाँ, कोई बोलता है दिल्ली जाती है। कह के की बात मानना, क्योंकि हाँ, जितना मुंह जितनी बात क्योंकि 400 वर्ष पुराना है, 400 साल पुराना है, तो वो तो खैर कहानी तो होगा ही, बहुत अद्भुत कहानी। तो वो जैसे है क्या उसमें कोठड़ी कोठड़ी है। चलिए सर चलते हैं। नीचे से हम लोग देख रहे हैं ऊपर किले का नज़ारा दिखाई दे रहा है, कितने ऊंचाई पे किले हैं और काफ़ी जर्जर हालत पे दिखाई दे रहे हैं। ये वही तालाब है जो अभी काफ़ी सूखा हुआ मतलब आ रहा है। इतनी ऊंचाई पे तालाब का निर्माण कराया गया था जो अभी काफ़ी चारों तरफ से सूखा हुआ है। वही तालाब दिखाने के लिए जा रहे हैं जो राजा महाराजाओं के टाइम में मतलब वो तालाब बनाया गया था, इसी में मतलब वो लोग पानी वानी का व्यवस्था प्रबंध कर रहे थे। आप लोगों को पूरा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि किस टाइप का नक्काशी किया गया था, किस टाइप से कलाकारी किया गया था। यहाँ तालाब में उतरने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया गया था, सीढ़ियाँ किस टाइप से बनाया गया है आप लोग देख सकते हैं। वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं कि किस टाइप से तालाब में न जाने के लिए या यूँ कहे तो तालाब में पानी का प्रबंध करने के लिए बनाया गया था। इतनी ऊंचाई पे ये तालाब है, आप देख सकते हैं किस टाइप से नक्काशी किया गया है और वहाँ से मतलब वो दिखाई दे रहे हैं पानी निकासी का भी प्रबंध किया गया है। हम लोग आ चुके हैं जो नक्काशी किया गया है और हम लोग गुफा के अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं कि गुफा किस टाइप से है और हम लोग गुफा के अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा अंदर जाने गुफा पूरा अंधेरा ही अंधेरा है गुफा के अंदर। चलो लाइट दिखा रहे हैं मोबाइल से लाइट। चलो नीचे उतर जाएंगे। हाँ, हम लोग फाइनली अभी गुफा के अंदर आ चुके हैं। यहाँ हम लोग लाइट के लिए मोबाइल का फ्लैश लाइट इस्तेमाल करते हैं। पूरा अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है। धूप काफ़ी होने के कारण आप लोगों को कुछ देखने में मतलब कुछ परेशानी हो रहे हैं। काफ़ी नक्काशी किया गया था, पूरा पत्थरों से मतलब बना हुआ है और देख सकते हैं कितनी बुरी हालत में ये किले आप लोगों को दिख रहे हैं जो हम लोग किले के सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पे अभी आ चुके हैं और आप लोगों को दिखाने के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि किले किस हालत में जर्जर अवस्था में अभी आप लोगों के समक्ष हैं। आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे अभी आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ से नीचे के नीचे का मतलब गहराई कितने ऊंचाई पे अभी हम लोग आ चुके हैं। आप लोग अपना अनुमान लगा सकते हैं कि हम लोग फाइनली बहुत ऊंचाई पे अभी आ चुके हैं और ये आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है ये पूरा शहर का नज़ारा दिखाई दे रहा है जो बहुत यूँ कहे तो बहुत मतलब नीचे है और इस साइड जो देख रहे हैं जो नज़ारा ये राजस्थान के साइड है जो धूप के कारण पूरा धुंधली धुंधली नज़र आ रहे हैं और यही अरावली का पर्वत है और महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है और यूँ कहे तो ये माधोगढ़ का किला में अभी हम लोग ठहरे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितने जर्जर अवस्था में स्थित है इसे।